नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब पे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि रोज रोज कुछ हैवी खाना नहीं खाया जाए या सेम सेम दाल चावल सब्जी रोटी खाना बनाने का मन नहीं करता। ऐसा मन करता है कि कुछ हल्का भी खाया जाए लेकिन कुछ टेस्टी बनाया जाए। तो ऐसी ही रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ जो बनने में बहुत सिंपल है, जल्दी से बन जाती है, तो आपका ज़्यादा टाइम किचन में वेस्ट नहीं होगा लेकिन बहुत टेस्टी है। हम बनाएंगे कर्ड राइस यानी कि दही चावल। कहने को तो ये बहुत सिंपल चीज़ है दही चावल, लेकिन अलग अलग जगहों पर यह अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपना तरीका और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बनती है। तो जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मोस्ट वेलकम। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो रेगुलर बेसिस पे मेरा चैनल देखते हैं, मेरी रेसिपीज देखते हैं और मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं, उनको मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। और आपको पता है ना, रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ मैंने एक बाउल में लिए हैं ये बने हुए चावल, ये ऑलरेडी पके हुए चावल हैं। ये करीब डेढ़ बाउल है, ये जो बाउल है हमारे पास ऐसा 1.5 बाउल है। ये चावल आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये चावल मैंने थोड़ा ज्यादा पकाए हैं, मतलब ये ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम अलग अलग खिला खिला दाना नहीं है। तो हमें इस रेसिपी में इसी तरह के चावल चाहिए। तो इसमें अब मैं मिला रही हूँ 1/2 कटोरी दूध, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, और इसे मिला लेंगे हम राइस के साथ थोड़ा सा, तो हमारे राइस को थोड़ा सा अच्छा मॉइस्चर मिलेगा इससे। आपके पास अगर क्रीम हो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है दूध के साथ। हमें अगर जरूरत लगी तो हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे, फिलहाल 1/2 कटोरी दूध काफी है। तो ये दूध मिलाने के बाद अब मेरे पास यहाँ है 250 ग्राम दही, 1/4 किलो दही, ये मैंने ऑलरेडी विस्क करके रखा है, थोड़ा बीट करके रखा है। तो ये सारा दही मैं इसमें मिला लूंगी अच्छी तरह से इस राइस के साथ। देखिए इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आपको इस तरह से इस कंसिस्टेंसी के राइस नहीं खाने हैं, थोड़े मतलब राइस ज्यादा चाहिए आपको, तो आप थोड़े से ऐड कर सकते हैं। वैसे ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, तो हमारे जो ये दही दूध राइस अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो इसमें अब हम मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। अगर आपकी दही बहुत ज्यादा खट्टी हो, वैसे तो आप नॉर्मल दही यूज करें, ताजी दही यूज करें, इसमें खट्टी दही यूज ना करें, लेकिन अगर बाय चांस हमारी दही अगर थोड़ी खट्टी होती है तो आप 1 चम्मच शक्कर या चीनी इसमें ऐड कर ले तो वो टेस्ट को थोड़ा बैलेंस कर लेगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है तो आप जरूर डालें। देखिए, इसके बाद इसमें मैं डालूंगी अदरक, तो ये 1 टीस्पून अदरक है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे भी मिला लेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हरा धनिया, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूं, लेकिन अगर आप चाहें, आपको पसंद है तो आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मिक्सचर है ये रेडी है, अब मैं इसे दूंगी एक तड़का। तो चलिए इसे तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ तेल गर्म होने रख दिया है मैंने, ये करीब 1/2 टीस्पून तेल है, आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं तेल यूज करती हूँ। उसका कारण ये है कि ये जो कर्ड राइस है, दही चावल है, ये ठंडे भी अच्छे लगते हैं, तो अगर हम घी में तड़का दें तो घी जम जाता है। और एक और टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आप अगर ये बना रहे हैं
तो कोशिश करें कि सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे हो, इवन चावल, गरम गरम चावल में दही या दूध ना डालें। तो अब यहाँ तेल हमारा लगभग गरम हो चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून राई है और 1/2 टीस्पून जीरा। गैस फ्लेम बिल्कुल लो पे रखी है हमने। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून उड़द की दाल, इसे भी थोड़ा सा होने देंगे। फिर इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ते, तो यहाँ मैंने 5 से 6 कड़ी पत्ते काट लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो देखिए इस तरह से, जब तक हमारी दाल थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। और अब हम डालेंगे इसमें 2 सूखी लाल मिर्च, इसे भी मिला लेंगे। तो तड़का हमारा तैयार है। अब हम ये तड़का डालेंगे हमारे कर्ड राइस पर। तो ये जो तड़का है हम इसके ऊपर डालेंगे, इसे मिला लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये कर्ड राइस, ये दही चावल। यकीन मानिए, जब आपका मन ना हो कुछ ज्यादा बनाने का या बिल्कुल हल्का खाने का, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस ये तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितनी जल्दी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो जब मन करे कि किचन में ज्यादा वक्त नहीं बिताना है या कुछ सिंपल सा खाना है लेकिन टेस्टी बनाना है, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, मेरा इंस्टा हैंडल है @gayatri's cooking club। मैं वहाँ पे रेसिपीज से रिलेटेड और बिहाइंड द सीन्स के अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो करना ना भूलें। आप मेरे FB पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, गायत्रीज कुकिंग क्लब नाम के पेज पे। तो फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय।